हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर द सेल रिएक्शन, और ये जो हमारी रिएक्शन है दैट इज Cu2+, जिसमें C1 हमें शो कर रखा है, देन Zn, और ये फॉर्म कर रहा है Zn2+ एंड C2 इज आर, देन Cu साथ में इसके निकल रहा है। ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी एट गिवन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, और हमें गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। अब बात करें अगर जो हमारा एक्सप्रेशन होगा फॉर नर्स्ट इक्वेशन, इट विल बी ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF दैट इज LN, दिस विल बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें अगर एक्सप्रेशन में जो हमारी गिवन रिएक्शन है उसकी वैल्यू पुट करें तो इट विल बी E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF LN एंड दिस इज Zn2+ अपॉन Cu2+। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF LN C2 अपॉन C1। नाउ राइटिंग इक्वेशन फॉर डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल से हमारी वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एन एल एन अपॉन, वही होगा हमारा C2 अपॉन C1। फर्दर इसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन C2 अपॉन C1। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा फंक्शन कितना आ रहा है LN C2 अपॉन C1। ऑप्शन में से देखते हैं, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।